वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई शो यू द लाइब्रेरी ऑफ एनआईटी सिलचर और वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ऑर्गेनाइज एंड वेरी सिस्टमेटिक सो यू लुक्स एपीजे अब्दुल कलाम का ये रिसोर्सेस है और उधर से देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कलर से और ये और मैं चल के आपको अंदर का क्या व्यू है वो सब मैं भी दिखाऊंगा और ये बाहर से कैसा दिखता है वो सब देख सकते हैं। बहुत ही मस्त है ये जगह और धूप भी करा है और क्लास ख़त्म हो गया मेरा तो सोचा कि हॉस्टल जाने से पहले एक वीडियो बना लूँ आप लोग के लिए। देख सकते हैं बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही स्पेस है। और इधर एनआईटी सिलचर का मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर एक पेड़ लगाने का वो चलता है। इधर जो भी लोग पेड़ लगाते हैं, चलिए देखिए एक चीज़ मैं एक सैंपल दिखाता हूँ, एक और वीडियो में मैंने दिखाया था। देखिए जो भी लोग पेड़ लगाते हैं वो पेड़ के बगल में अपना कोड नाम लिख देते हैं। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है शायद, मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि आपको दिख रहा है कि जैसे पता चले। हाँ ये देखिए जिन्होंने पेड़ लगाया उनका नेम बाइज रहता है और ये पेड़ है और ये डायरेक्टर सर का पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं डायरेक्टर सर का। ये सब जगह है पूरे कैंपस में इस तरह का सिस्टम है ऑर्गेनाइज। अगर आप आते हैं कॉलेज में और आप पेड़ लगाते हैं तो आपका भी नाम रहेगा बगल में और बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये देख सकते हैं आपको कितना खूबसूरत जगह है, स्पेस बहुत है। एनआईटी सिलचर में एक जानते हैं 648 एकर्स में है अप्रॉक्स, तो स्पेस बहुत है कैंपस में और बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत ऑर्गेनाइज वे से है। और ये हमारा ये सब लुक आप बाहर का लाइब्रेरी का बाहर का लुक देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और फिर चल के मैं अंदर का भी दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा है ऑर्गेनाइज है। और ये लाइब्रेरी बहुत ही मस्त है, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी में बहुत बहुत बार गया हूँ मैं और पढ़ा भी हूँ और मेरा कुछ टाइमिंग है जो कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ और वहीं बैठ के पढ़ता हूँ क्योंकि क्लासरूम और हॉस्टल का थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस है, बीच में लाइब्रेरी पड़ता है। तो खाना खाने के बाद मैं आ जाता हूँ इधर और कुछ समय लाइब्रेरी में बिताता हूँ, उसके बाद क्लास का टाइमिंग होता है तो क्लास में चले जाते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही मस्त है इधर, देखें बहुत ही मस्त इधर। ये जो लोग आते हैं देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर चचर असम, ये देख रहे हैं आईएस दिखा पता तो चले। अच्छा मैं कैमरा को इस तरफ से किया हूँ, पता नहीं चलता क्या क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट एजुकेशन ऑफ इंडिया है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और चलिए अब मैं अंदर की ओर चलता हूँ, क्या अंदर में लाइब्रेरी में कैसा है ये लुक आप देख सकते हैं किस तरह है। ये देख सकते हैं आप मस्त है, धूप भी बहुत करा है। और चलिए अब अंदर चलते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर अपने छाता रख देता हूँ। जस्ट यहाँ पे अंदर जाने से पहले एंट्री करना पड़ता है तो मैं अभी एंट्री कर दे रहा हूँ अपना नेम बैच। ये अपना सबका स्कॉलर आईडी और नेम होता है। टाइमिंग कितना हो रहा है अभी, टाइमिंग कितना हो रहा है 120 हो रहा है। स्कॉलर नंबर डालिए, स्कूल नंबर अभी नहीं मिला है, अप्लाई लीजिए क्या, अप्लाई लीजिए आज ही या कल मिल जाने का। स्कूल नंबर मुझे नहीं मिला है इसलिए मैं अभी अप्लाई लिख दिया हूँ और ठीक है चलते हैं अंदर। या वीडियो अप करिए
मैं वीडियो ही शो कर रहा हूँ ना, इसमें क्या फैसिलिटी है NIT पटना, NIT सिलचर का, वो मुझे शो करना, कितने बेस से ऑर्गेनाइज है और बैग रख के जाइए। अच्छा हाँ, और मैं भूल गया था, सॉरी। और बैग रखने के लिए ये अच्छा है प्रॉपर्टी, यहाँ पे लॉकर भी है, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना बैग रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए कैंपस, ये वाला ना बहुत बड़ा है, एक हॉल है, ये अपना स्पेस है, ये हॉल लाइब्रेरी का। और ये दिखाते, ये वाला जो है ना, ये बहुत ही मस्त है, यहाँ पे यहाँ पे जो भी प्राइस वगैरह होता है वो सब यहाँ रखा हुआ है। लाइटिंग का प्रॉब्लम है, देख रहे थे, ये पेंटिंग का है, ठीक है। और चलिए क्या अंदर चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, ये तो बाहर का था। ये आप देख सकते हैं, ये सब आपको पेपर पब्लिश होता है ना, उसका ये कोडिंग था, क्योंकि स्प्रिंगर में हमारा एक पेपर पब्लिश हुआ था, एक्चुअली मैं उसमें पार्टिसिपेट था, वो हमारे सर थे, और बीटेक में जब मैं सेकंड ईयर में था तो एक सर के अंदर मैं काम कर रहा था, तो उसमें एक पेपर पब्लिश हुआ था जो कि इसमें था, स्प्रिंगर में। ये पब्लिकेशन सब है, ये इसमें बहुत ही मुश्किल होता है सब में पेपर सेलेक्ट करवाना, ये सब आप एमटेक में और पीएचडी में आके जब कीजिएगा रिसर्च, तो आप जब पेपर लिखिएगा, थीसिस लिखिएगा, तो इस सब में आपका आएगा, ठीक है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत अलग है, और ये सब है मस्त है। और चलिए यहाँ से हमारा लाइब्रेरी शुरू होता है, और ये है, सभी लोग इधर पढ़ रहे हैं, और बुक्स मैगजीन सब है इधर, इधर आप देख सकते हैं सभी मैगजीन है, ये मैगजीन, और ये मैगजीन अवेलेबल है, लेटेस्ट मैगजीन होता है सब इधर। और बुक्स, और बुक्स और इधर लिफ्ट का भी है, ऊपर जाने का इधर लिफ्ट है, ये बुक्स है, बुक काउंटर है, ये बुक्स है, और आप देख सकते हो ये सिविल डिपार्टमेंट का बुक है, इधर मैंने सिविल डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट सिविल है, इधर सिविल का है, भैया मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे, अभी डिस्टर्ब नहीं है, चले पढ़ रहे हैं वो। ये बुक है, इधर टेबल है, स्पेशल फैन है, एसी भी है इधर लगा हुआ है, मस्त है एकदम, आप इधर आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग का है, लाइब्रेरी में टाइमिंग का है, 8 मिनट हो गया, ओ भाई के लिए अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, आप जहाँ पे आपको लगे स्किप स्किप करके आप देख सकते हो, उधर ऑफिस है ये, और ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं करूँगा, और ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगा वीडियो का। यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है ये, हाँ यहाँ से दिखेगा, देख रहे हैं, ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से है, एक एस्पेरिकल टाइप, हाँ ये चल के देख, मज़ा आएगा, दिख रहे हैं, मस्त है लाइब्रेरी। और एक आप एक डिजाइनर, डिजाइन इंजीनियर है, तो सोचिए आपको इस तरह से हॉल आपको डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या सा आपको लेना पड़ेगा, एक बहुत ही मस्त है ये, यहाँ पर सीढ़ी है, और ये आप देख सकते हैं। और देखिए कोई भी मॉडल बनाने से पहले क्या होता है कि मॉडल का डिजाइनिंग होता है, उसका एक डिजाइनिंग यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा अर्थी लाइब्रेरी का डिजाइनिंग का, ये तो ऊपर से आपको दिख रहा है ना, ये टॉप व्यू आप अगर देखेंगे तो इस तरह से हमारा दिखेगा, टॉप व्यू है ये लाइब्रेरी का, ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर तक, ये जो पास है ये इधर से गेट था, एंट्री पॉइंट था, और ये बिल्डिंग इधर से पीछे का है उधर का। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, थैंक यू।